नेहरू नगर स्थित केपीसी स्कूल में प्रज्ञोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। दो हफ्ते तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे अपने भीतर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रज्ञोत्सव में भारतीय संस्कृति से जुड़े नृत्य और गायन को प्रस्तुत किया जाने वाला है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेहरू नगर स्थित केपीएस स्कूल में प्रज्ञोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सोमवार को हुआ। प्रज्ञोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बच्चों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने केपीएस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष प्रज्ञोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो दो हफ्तों तक निरंतर जारी रहता है। शुभारंभ अवसर के पहले दिन एकल और समूह गान की प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा दी गईं, जिसकी उपस्थित लोगों द्वारा मुक्त कंठ से सराहना की गई। प्रज्ञोत्सव के उद्देश्य की जानकारी केपीएस स्कूल की प्राचार्य और प्रबंधक सविता त्रिपाठी और कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस की प्राचार्य डॉक्टर ज्योति शर्मा ने दी। आप सभी को नमस्कार। आज जो हमारे इस शाला में प्रज्ञोत्सव नाम का एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और ये जो है ये लगभग दो हफ्तों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। ये इसको बोलेंगे कि नृत्य और संगीत का एक महोत्सव हम मना रहे हैं, जिसमें बच्चे विभिन्न क्षेत्र से जो हैं वो इसमें प्रतिभागी होंगे। और यहाँ ये जो कार्यक्रम है विगत 15 वर्षों से हमारी शाला संचालित कर रही है, जो कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक डांस एंड फाइन आर्ट्स और जो हमारी कृष्णा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इसमें हम ज़्यादातर कल्चरल जो है, जो हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा दिखाता है, ऐसे ही नृत्य संगीत जो लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो बच्चों में आधुनिकता आती जा रही है, उस पाश्चात्य सभ्यता को हटाते हुए अपनी जो मूल जो सभ्यता है उसको दर्शाती हुई जो हमारी नृत्य संगीत की पद्धति है, उसके लिए कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। और यह जो है ये स्कूलों के बच्चों के लिए बहुत कम ऐसे आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि छोटे से छोटे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देना जो उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करे। और यह जो कार्यक्रम है इसमें हम प्रति जो कार्यक्रम है हर तरीके की जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें हम जो फर्स्ट प्राइज़ होती है उस बच्चे को 11,000 रुपये से पुरस्कृत करते हैं, और सभी बच्चों को जो भी इसमें प्रतिभागी है उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या हम उसकी जो मेडल्स वगैरह से या उनके शील्ड। कॉलेज ऑफ म्यूज़िक डांस एंड फाइन आर्ट्स में प्राचार्य हूँ। प्रज्ञोत्सव प्रज्ञ अर्थात ऊर्जा, और इस ऊर्जा को एक स्थान देने के लिए, इस ऊर्जा को प्रकाशित करने के उद्देश्य से ये प्रज्ञोत्सव का आयोजन नेशनल लेवल पर हर साल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अपनी अंदर की प्रज्ञा, अपनी अंदर की ऊर्जा को प्रकाशित कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर संगीत होता है वहाँ पर नारायण का वास होता है, और जहाँ देवता की उपासना हो, जहाँ देवता स्वयं उपस्थित हों, तो वो वाकई स्थान पूजनीय हो जाता है। हमारा नटराज ऑडिटोरियम जो है कृष्णा पब्लिक स्कूल के अंदर, और यहाँ का पूरा वातावरण एक तरह से कृष्णमय और नारायणत्व को प्राप्त होता हुआ सबको अनुभूत होता है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि इस प्रज्ञोत्सव, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित होकर इसका आनंद लें, और यहाँ जिन प्रज्ञाओं का हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, उन सभी का को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और यहाँ जो एक देवतुल्य एक वातावरण दिखाई दे रहा है, उन सबसे आप भी अभिभूत हों। धन्यवाद। बहरहाल प्रज्ञोत्सव में विजेता प्रतिभागियों को 11,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी प्रतिभागियों को भी सर्टिफिकेट और शील्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। Yeah.
ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।